उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी वर्तमान में है और अगले कुछ ही वर्षों के अंदर ये 25 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। जनसंख्या अगर हमारे पास है और उसके पास पर्याप्त संसाधन है, स्टेट के पास या देश के पास पर्याप्त संसाधन है, वह स्वस्थ है, वहां पर उनके लिए हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध है, तो समाज के लिए एक उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन जब यही अभाव से अस्वस्थता के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से वह किसी विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहा है, वह अपने आप में एक चुनौती है और उस चुनौती को ध्यान में रखने के लिए ही यह विश्व जनसंख्या दिवस पूरी दुनिया की मानवता को बचाने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के अंदर जो अनेक दिवस दिए हैं उनमें से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई यह जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, इसके स्थिरीकरण के बारे में व्यापक जागरूकता के अभियान के साथ जुड़ने का कार्यक्रम है। जागरूकता का एक कार्यक्रम अत्यंत मायने रखता है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस दिशा में हमें केवल स्वास्थ्य विभाग इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए बल्कि इससे संबंधित सभी विभागों को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, हर तबके के लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। आगे ग्रामीण विकास और पंचायती राज, नगर विकास इससे दूर क्यों, शिक्षा विभाग इससे दूर क्यों है, अन्य उन विभागों को जिनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।